अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा ओरिएंटेशन चेंज करना सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या वैसे किसी भी एप्लीकेशन में जो नॉर्मल ओरिएंटेशन होता है डाटा का, इंग्लिश लैंग्वेज में वो होता है लेफ्ट टू राइट। जैसे ये देखें, ये वर्ड जो लिखे हुए हैं ये लेफ्ट टू राइट हैं, और जो भी हम वर्ड टाइप करेंगे लिखेंगे वो लेफ्ट टू राइट ही होंगे। लेकिन अगर हम इनकी ओरिएंटेशन, इनका व्यू लुक चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनके ओरिएंटेशन चेंज करने के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आगे चलने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले हमारे लेक्चर्स लेसन्स आपको वक्त पर मिलते रहें। तो दोस्तों आगे चलते हैं। ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए हमें होम के मेनू में जाना पड़ता है, और होम के मेनू में ये एक ओरिएंटेशन का ऑप्शन है। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जिस भी टेक्स्ट की ओरिएंटेशन आपने चेंज करनी है उसको आपने सेलेक्ट करना है या कर्सर को आपने वहाँ पे रखना है। फॉर एग्जांपल, ये कॉलम के जो हेडिंग्स हैं इनको हमने, इनकी ओरिएंटेशन चेंज करनी है, तो इनको हमने सेलेक्ट करना है और होम के मेनू में जाकर ओरिएंटेशन के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये बहुत सारी ओरिएंटेशन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक एंगल काउंटर क्लॉकवाइज है, ये एंगल क्लॉकवाइज है, वर्टिकल टेक्स्ट है, रोटेट टेक्स्ट अप है। तो हम अप्लाई करते हैं ऑप्शंस को। पहले हमने इनको सिलेक्ट किया है। अच्छा, इनकी वजह क्या है? फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक ये हमें इशू आ रहा है कि ये कॉलम में जो डेटा है वो तो कम है, लेकिन कॉलम की साइज बढ़ी हुई है। अगर हम कॉलम की साइज को कम करना चाहते हैं तो ये डाटा जो है इसके हेडिंग्स ये खराब हो जाती हैं। लेकिन अगर हम कॉलम की साइज को कम करें और डेटा भी हमारा सही, जो हेडिंग्स हैं वो सही नज़र आ जाएं, तो उसके लिए हमने इनको सही प्लेस करना पड़ेगा, इनकी ओरिएंटेशन चेंज करनी पड़ती है। तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं, अगेन जाते हैं होम के मेनू में, और ये ओरिएंटेशन का बटन, इसमें पहला ये ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, क्लिक करते हैं। ये देखें, ये हमारा उसी सेल में ये डाटा आ गया है, लेकिन इसमें यह है कि ये इसका जो टेक्स्ट है ये क्रॉस कर रहा है आगे दूसरे सेल में भी। अगर हम इनके जो बॉर्डर्स हैं वो सिलेक्ट करते हैं तो वो बॉर्डर की ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, इनके हम बॉर्डर्स भी दे देते हैं ताकि हमें बात जो है वो क्लियर समझ में आ जाए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये अप्लाई हो जाता है होम में आके, और ये ऑल बॉर्डर्स यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं। ये देखें, ये हमारा डेटा जो है जहाँ पे हमने इस टेक्स्ट का ओरिएंटेशन चेंज किया है, इसके साथ ही इसके बॉर्डर्स की ओरिएंटेशन भी चेंज हो गई है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर हमें समझ में आ रहा है कि ये इसके कॉलम के हेडिंग्स जो हैं वो क्रॉस करके दूसरे कॉलम में जा रही हैं, तो हमने इसकी आगे फिर ओरिएंटेशन चेंज करनी पड़ेगी। और इसी में एक ऑप्शन तो ये है कि हमने काउंटरक्लॉकवाइज किया है, हम इसको क्लॉकवाइज कर देते हैं, ये एंगल क्लॉकवाइज कर देते हैं, तो ये इस तरीके से हो जाता है। लेकिन फिर भी वही इशू आ गया कि कॉलम की हेडिंग्स जो हैं वो क्रॉस करके दूसरे कॉलम में जा रही हैं। फिर हमने इसका एक ओरिएंटेशन चेंज करनी है, वो है वर्टिकल टेक्स्ट। ये देखें, वर्टिकल टेक्स्ट में क्या होगा कि कॉलम की साइज भी उतनी ही रहेगी और जो है वो डाटा क्रॉस भी नहीं होगा किसी और कॉलम में। एक तरीका तो ये है, लेकिन इसमें ये कुछ रीडिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा कि अगर हम इसको रीड करना चाहें तो ये हमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है। इसी में एक और ऑप्शन है, हम दोबारा ऑप्शन अप्लाई करते हैं ओरिएंटेशन में, रोटेट टेक्स्ट अप। ये बेहतर है ओरिएंटेशन एज कंपेयर टू द प्रीवियस, के ना ही जो है वो डाटा क्रॉस कर रहा है किसी और कॉलम में, और ना ही रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है कि जो हमारी हेडिंग्स हैं वो क्या हैं। तो ये आई थिंक बेहतर ऑप्शन है, इसको भी अप्लाई करना चाहिए। और इसी में एक और ऑप्शन भी है कि जैसे ये बॉटम टू अप है इसकी
ओरिएंटेशन, इसी से हम इसको डाउन भी कर सकते हैं, रोटेट टेक्स्ट डाउन, जो भी आपको पसंद आ जाए इसी तरीके से ये हम इसको व्यू कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो भी कॉलम की साइज़ है, जो भी डाटा है, उसी के अंदर ही टेक्स्ट भी एडजस्ट हो गई है, जस्ट हमने उसकी हेडिंग को कन्वर्ट किया है उसकी ओरिएंटेशन से। इसी तरीके से ये जो रो हेडिंग्स हैं, इनकी भी हम ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़े तो, वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, होम में जाके ओरिएंटेशन में एंगल काउंटर क्लॉकवाइज है, वर्टिकल टेक्स्ट है, रोटेट टेक्स्ट है, लेकिन क्योंकि रो जो होती है लेफ्ट राइट, तो हमें इसको इसी में रखना चाहिए। मगर डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे, अगर आप इनको इनकी भी ओरिएंटेशन चेंज करना चाहें अपने डेटा को खूबसूरत बनाने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने इसको एंगल काउंटर क्लॉकवाइज कर दिया है और इसको भी हम एंगल काउंटर क्लॉकवाइज कर देते हैं, तो डेटा का लुक जो है वो खूबसूरत हो जाता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी हो, वरना जो है वो डेटा को रीड करने में, अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, डेटा की ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये तरीक़ेकार है, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको अप्लाई करें अपने डाटा में। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो हमें क्वेश्चन करें, हमें हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि आइंदा भी हम अपनी वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बना दिया करें और आपके लिए और सबके लिए हेल्पफुल रहें। जी तो दोस्तों, आज का ये लेसन था डेटा में टेक्स्ट की ओरिएंटेशन को चेंज करने का। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। आप इस ऑप्शन को अप्लाई करें अपने डेटा पे, प्रैक्टिस करें। इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है हमें ज़रूर कमेंट में मेंशन किया करें, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हवाले से या आईटी या कंप्यूटर के हवाले से और भी कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है तो हमें ज़रूर शेयर कर दिया करें, हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और कोई राय हमारे लेसन वीडियोस के बारे में हो तो ज़रूर हमें भेजें, ताकि हम अपने लेक्चर्स को, लेसन को बेहतर से बेहतर बनाकर आपके लिए पेश करते रहें। तो इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले लेसन और अगले लेक्चर तक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।